लगातार कह रहे हैं कि रीट थर्ड ग्रेड का परिणाम कब आएगा। तो साथियों रीट के परिणाम को लेके मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि 78,000 ऑब्जेक्शन आने के कारण से आपके परिणाम में समय लग रहा है, अन्यथा आपका परिणाम अब तक जारी हो गया होता। लेकिन आपको पता है कि ऑब्जेक्शन इतने ज़्यादा आ गए थे और जो बाबू होते हैं उनकी हड़ताल चल रही थी, जो बोर्ड का स्टाफ है वो भी नहीं था, लेकिन साथियों हड़ताल भी खत्म हो चुकी है और बाबू भी काम पे आ चुके हैं, तो काम बड़ी तेजी से हो रहा है आपके रिजल्ट को लेके। आप ये मान के चलिए चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कहा, मैंने पूछा है कि और कितना समय लगेगा ऑब्जेक्शन दूर करने में, कब तक ये रिजल्ट आएगा, कब राजस्थान के युवाओं को खुशी मिलेगी, क्योंकि कितने लंबा समय उनको हो गया रीट की तैयारी करते हुए, अभी तक ये रीट पूरी नहीं हो रही है। तो साथियों उनका स्पष्ट कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि मई के लास्ट में परिणाम डाल दें। अगर मई के लास्ट में 2-5 दिन ऊपर नीचे होते हैं तो अगले महीने का जो फर्स्ट वीक होगा, जून के फर्स्ट वीक में हम रीट का परिणाम जारी कर देंगे, या तो मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में, क्योंकि साथियों स्टाफ की कमी के कारण से आपके परिणाम में समय लगा है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्द आपका परिणाम जारी होगा। सभी साथी बिल्कुल चिंता नहीं करें, लगातार हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि साथियों आपको पता है जब आप परेशान होते हो हम परेशान होते हैं। एक साथियों बहुत लंबे